एकगा इज़ व्हाट्सअप वेलम बैक टू माई चैनल ट्रेवलिंग ऑन ई माइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग तो जो रोड ट्रिप थी ट्वेंटी नाइन डेज़ की यू के टू एस एल वाली वो उसका पूरा ब्लॉग सीरीज़ कम्प्लीट हो चुका है एंड वो पूरा सीरीज़ मैंने अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है तो अगर आप लोग ने वो सीरीज़ मिस किया या नहीं देखा है अगर आपने उसके कुछ वीडियोज़ देखें कुछ नहीं देखें तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ जा कर एक बार वो पूरा ब्लॉग सीरीज़ देखो काफ़ी मज़ा आएगा ब्लॉग सीरीज़ देखने में एंड काफ़ी आइडिया आप लोग को लग जाएगा उसी पूरे एरिया के बारे में जिसमें हम लोगों ने स्पिति लद्दाख एंड जानसकार कवर किया था अगर आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेज uh, रिलेटेड या फिर रूट रिलेटेड तो वो आप उससे पूछ सकते हो डीएम करके इंस्टाग्राम uh, पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो ट्रैवलिंग ऑन ई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहां आप मुझसे पूछ सकते हो या आप के नीचे भी कमेंट कर सकते हो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अब ये वाला जो व्लाग है ये बेसिकली एक सनराइज़ व्लॉग है जिसमें मैं आप लोग को जस्ट एक बेसिक आइडिया दूंगा कि मैंने उस पूरी रोड ट्रिप में आ, कैसे शॉट्स लिए थे और क्या क्या रिकॉर्ड किया था मैंने क्या क्या मैंने लोकेशंस देखी थी एंड मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे रहा था तो अगर आप लोग थोड़ा सम टाइम निकाल के मेरी ये ब्लॉग देखोगे तो आप लोग को काफ़ी आइडिया लग जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप लोग जाके पूरी सीरीज़ भी देख सकते हो तो शुरू करते हैं Uh, कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं था इस रोड ट्रिप का uh, मैं हमेशा से चाहता था ऐसा करना मतलब मेरा प, पर लाइक होता नहीं कि आप चाहते बहुत कुछ हो एंड प्लान आप वही करते हो जो आपको लगता है थोड़ा प्रैक्टिकल है uh, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरा इतना लंबा uh, लीव लेना पॉसिबल नहीं था तो कभी मैंने इतना लंबा सोचा नहीं था कि मैं लाइक like, uh, इतनी लंबी रोड ट्रिप करूँगा बट आई ऑलवेज़ वॉन्ट कि मैं अब कहीं जाऊँ तो मैं वहाँ पे जाके आराम से टाइम स्पेंड करूँ मैं उस लोकेशन को अच्छे से घूमूँ लोगों से बात करूँ एंड ऑल दैट स्टफ लाइक होता है ना कि आप उस जगह पे आगे थोड़ी देर बस जाओ वैसा वाला सीन टू थाउजेंड सिक्सटी मैंने एक रोड ट्रिप करी थी ऑल इंडिया राइड मतलब ऑल इंडिया राइड करी थी बेसिकली मैंने इट वॉज अ सोलो राइड एंड वो uh, रोड ट्रिप करके जब मैं वापस घर आया था तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली थर्टी ट्वेंटी नाइन डेज थर्टी डेज़ की रोड ट्रिप थी जिसमें एट थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी सेवन किलोमीटर्स मैंने कवर किया था पल्सर आर एस टू हंड्रेड पे बट वो ट्रिप करने का मुझे रियलाइज हो गया था कि यार uh, वो था ना कि आप जा रहे हो बस आप एक पूरा एक मैप करके वापस आ जा रहे हो तो उसमें वो मज़ा नहीं है आप बेशक एक लोकेशन पे जाओ वहाँ पे रुको और उसको अच्छे से घूमो मजा उसमें है so, सो जब ये रोड ट्रिप का प्लान आया था तो जो एक फेलो वी क्रॉस ओनर है शिफाली उन्होंने मुझे बोला था इस ट्रिप के बारे में एंड आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है चलते हैं और uh, करके आते हैं इस रोड ट्रिप को प्लान यही था कि हम सारी लोकेशन कवर करेंगे एंड uh, पहले अद्दानी से मैंने पहुंचा था मैं गुड़गांव देन गुड़गांव से हम लोगों ने रोड ट्रिप शुरू करी थी नॉट गुड़गांव डेली से हमने रोड ट्रिप शुरू करी थी एंड uh, बहुत ज़्यादा हेक्टेड ब्राइक ना करते हुए ब्रेक्स ले लेकर हम लोगों ने uh, पूरा ये मैप कवर किया था जिसमें हम लोगों ने uh, पहले स्पिति किया था फिर जानस्कार किया था एंड फिर लद्दाख किया था तो uh, कुछ ऐसी लोकेशंस थी जो हमारी रह गई थी फॉर सम रीजनस कभी फ्यूल का कोई इशू आ गया था कभी uh, गाड़ी का इशू आ गया था कभी टाइम एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं थी बट लास्ट लास्ट में ऐसा हो गया था कि मुझे जल्दी घर पहुंचना था कि थर्ड जुलाई मेरा बर्थडे था एंड मैं वो मिस नहीं कर सकता था वो लाइक मुझे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना होता है तो वो थोड़ा सा लास्ट में टाइम का इशू आ गया था जिसके चक्कर में हम लोग को कुछ लोकेशन स्किप करनी पड़ी थी एंड ओवरऑल uh, पूरा uh, तीनों लोकेशन करने के बाद लाइक स्पृति लद्दाख एंड संस्कार करने के बाद एक्सपीरियंस uh, बहुत अल्टीमेट था uh, बीच में ऐसा भी आया था कि हमारी गाड़ी जो थी वो ख़राब हो गई थी बट स्टिल वो होता है ना कि uh, देखो uh, अब मैं आपको एक चीज़ पे बताता हूँ कि सारी बिलीव की बात है कि आप बिलीव क्या करते हो अब क्या नहीं करते हो मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट हो मतलब आप अपनी गाड़ी को अच्छे से पैम्पर करके रखते हो आप उससे बात करते हो तो गाड़ी आपकी बात सुनती है अब ये लोग ये चीज़ कुछ लोगों को काफ़ी लॉजिकल लगेगा बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा आज तक कि जहाँ पर भी मैं क्योंकि मैं नॉर्मली सोलो ट्रैवल करता हूँ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने आ, कहीं पर ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं स्टक हो सकता हूँ या मेरी गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो मैं बहुत बोलता हूँ कि प्लीज चल दे निकल जाए यहाँ से देखा जाएगा कल ठीक करवा लूँगा ये वो मतलब मैं अपनी गाड़ी से बात करता हूँ एंड uh, शिफाली अगर ये ब्लॉग देखेंगे वो भी चीज़ पर एग्री करेंगे कि यार जब हम लोग इस ड्राइव को कर रहे थे मैं कंटिन्यूअसली उनकी गाड़ी से बात कर रहा था एंड uh, हमें पता है कि इस गाड़ी की क्या कंडीशन थी एक पॉइंट पे वो कितना लोड ले रही थी वो कैसे नहीं चल पा रही थी उसमें कितने इश्यूज आ रहे थे बट और uh, इतना कि पूरे रूट में कहीं पे भी वो गाड़ी खड़ी नहीं हुई कि यार वहाँ पर हम स्टक हो गए कि हम अब क्या करें तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप अपनी गाड़ी से बात करते हो तो आपकी गाड़ी आपकी जरूर सुनती है और वो आपको बहुत हेल्प करेगी पर हाँ वही बात है ना कि आप उसको अगर प्यार करते हो आप उसको प्यार से रखते हो तो ही वो सुनेगी अगर आप उसकी ऐसी तैसी फेर के रखोगे तो यार ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है फिर कोई इंसान नहीं सुनता तो गाड़ी तो फिर क्या ही है तो आ, लोगों से मिलना हुआ इस ट्रिप में काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनने को भी मिली एंड कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे बने कुछ पुराने दोस्त भी रास्ते में मिले उनके साथ भी हम लोगों ने कुछ पार्ट इस ट्रिप का कवर किया लाइक जानसकार सुनील भाई अंकित भाई ये सब लोग इनसे मैं चंद्रदाल मिला था बहुत पहले एक बार आ, तो उस उस ट्रिप के बाद एक ऑल ऑफ अ सडन इन लोग से इस ट्रिप में मिलना हुआ एंड बहुत अच्छा लगता है कि आप लेकिन कहते होते ना पुराने दोस्त उनसे आप मिलो एंड दोबारा उनके साथ कोई आप ट्रिप करो तो यार आ, एक एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है कुछ यूट्यूबर्स भी मिले जिनसे मतलब कुछ से बात हुई कुछ से नहीं हुई तरुण एक यूट्यूबर है फ्रॉम जम्मू स्मॉल टाउन राइडर उसका चैनल नेम है बहुत बढ़िया बंदा है मतलब उससे बात करके काफ़ी अच्छा लगा एंड मज़ा आया यार इस पूरी रोड ट्रिप में तो आ, ड्रोन शॉट्स मैंने इस बार भाई साहब मैं आपको क्या बताऊँ मतलब मैं एक्चुअली में देखो मेरी ना फटती बहुत है ड्रोन उड़ाने में रीज़न बीइंग एक तो एक्सपेंसिव बहुत है मेरे पास डी जी आई का एर टू एस है तो मेरी फटती बहुत है उसको उड़ाने में क्योंकि डर लगता है यार कभी यहाँ से वहाँ चला गया या फिर आ, कभी होता है ना कि आपने कहीं ऐसे एरिया में उड़ा दिया जहाँ पर ड्रोन अलाउड नहीं है उड़ाना एंड वहाँ पर कुछ इशू बन गया तो उसमें क्या होगा ट्रिप में भी हुआ Uh, तावो मॉनेस्ट्री तावोनी ग्यू मॉनिस्ट्री हम लोग गए थे तो वहाँ पर जो uh, लोकल से मैंने उनसे पूछ के ड्रोन उड़ाया था बट वहाँ पर फिर आई टी वाले आ गए थे वहाँ पर इशू हुआ uh, चंद्रताल लेक में इशू हुआ एंड uh, एक पॉइंट ऐसा आया था कि इट वॉज लाइक कि अब गया ड्रोन अब नहीं मिलता ड्रोन वापस बट लकीली ड्रोन वापस मिल गया एंड uh, इस बार मैंने खुल के ड्रोन उड़ाया लाइक like, uh, जहाँ मेरा मन किया वहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया टाइप्स एंड दूर भी मैंने काफ़ी भेजा शॉर्स भी बहुत प्यारे आए कुछ एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि यार जैसे हम लोग जब चंद्रताल पहुंचे थे तो वहां पर मतलब जो देखा था वहां पे देखा था कि बहुत ज़्यादा क्राउड आने लग गया है काज़ा में भी सेम सीन था कि बहुत क्राउड आ रखा था अब मैं पर्सनली आप लोग इससे बात बोलूंगा मैं भी जब शुरू में गया था तो मेरे को भी होता था ना कि यार वो होता ना कि लोकेशन चेक करनी है आपको कि आप डेली आए हो तो आपने इंडिया गेट देख लिया आप आगर गए हो तो आपने ताजमहल देख लिया तो वो चेक करने वाली चीज़ होती है जब आप इनिशियली ट्रैवल करना शुरू करते हो मेरे साथ भी होती थी तो पर अगर ये वाला वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो अभी जिन लोगों ने अभी घूमना शुरू किया है और जिन लोगों को बहुत शौक है घूमने का एंड वो लॉन्ग टर्म इसको कंटिन्यू करेंगे तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा आ, समझना कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उस चाहे लोकेशंस कम कवर करो चाहे आप पूरा स्पीति एक बार में मत कवर करो पर जो आप लोकेशन कवर कर रहे हो उसको अच्छे से देख के आओ मैंने वहाँ पर बहुत ऐसे लोग देखे थे चंद्रताल में अब वो चंद्रताल आ रखे हैं चंद्रताल इज़ फेमस फॉर नाइट स्काई वहाँ पर नाइट स्काई बहुत सुंदर है अपार्ट फ्रॉम चंद्रताल लेक अगर आप नाइट टाइम वहाँ देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा आसमान में मतलब तो आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पर जो लोग आ रखे थे वो आए हुए थे आए हैं वो पहुँचे हैं उनने चाय पिया खाना खाया दारू पी और सो गए सुबह उठे लेक देखे और निकल गए वापस तो ये मत करो यार अगर आप लोग कभी भी घूमने जा रहे हो कहीं भी घूमने जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके उसके बारे में पढ़ा पढ़ो कि वहाँ पर क्या सुंदर है क्या नहीं है एंड देन अकॉर्डिंगली उस जगह को देख के आओ अच्छे से देख के आओ क्योंकि आप ट्रैवल करने निकलोगे ना ट्रस्ट मे ऑन दिस थिंग आईज़ ऐसा बार बार नहीं होता है कि आप हर हर छः महीने में चंद्रताल वापस पहुंच जाओ या हर साल चंद्रताल पहुंच जाओ मैं नॉर्थ ईस्ट गया था और जब मैं नॉर्थ ईस्ट होकर आया था तो मैंने सिर्फ मेघालय के देखा था एंड मेरा ऐसा था कि यार यहाँ मैं दोबारा आऊँगा बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है दोबारा आऊँगा मेरे ख्याल से चार पाँच साल हो चुके हैं पाँच छः साल हो चुके हैं मैं दोबारा नहीं जा पाया हूँ जबकि मेरे पास इतने अच्छे ऑप्शन आए थे ना जाने के कि अगर मैं जाता तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता उस चीज़ को बट मैं नहीं जा पाया अभी तक तो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप दोबारा आ जाओगे आप दोबारा देख लोगे बट दोबारा वो जल्दी नहीं आता है स्पेशली इन केस ऑफ मतलब ट्रैवल तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो अच्छे से टाइम निकालो अच्छे से घूम के आओ आपको बहुत मज़ा आएगा एंड मज़ा uh, मतलब मैं कहते ना कि आपको वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा फिर नेक्स्ट टाइम जाओ दूसरी लोकेशन कवर कर लो सिमिलर्ली uh, ये तो एक एक्सपीरियंस था मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो जो वहाँ के लोकल हैं आप उनसे बढ़िया करके बात करो उनके उनसे पूछो उनसे एडवाइस लो एंड आपको बहुत हेल्प करेगा वो आपके ट्रिप पे आप जाके फ़ालतू के, के आर्ग्यूमेंट्स मत करो हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कि आ, एक कार वाला हमारे साथ सीन हुआ था उसका भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है जिसमें लोकल्स थे वो इनिशियली आए उनने बदतमीजी से बात करी बदतमीजी करी हमारे साथ क्योंकि वो ड्रंक थे बट द वे वी रिएक्टेड ऑन दैट सिचुएशन कोई पंगा नहीं आया बाद में हंसते हंसते मजाक करते करते वो लोग गए तो वो भी आप देख सकते हो वीडियो में तो आ, बहुत कुछ है यार मेरे मतलब इस पूरे सीरीज़ में बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ एंड बहुत अच्छा लगा था मतलब आ, मैं तो ये बोलूँगा कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई आ, क्लिक वे टाइप्स हमने बनाऊँ कि बहस हो गई लड़ाई हो गई ये हो गया वो हो गया कैमरा भी खोया मेरा इंस्टा थ्री सिक्सटी फोटी फोर्टी फाइव थाउजेंड का वो कैमरा है वो भी मेरा खोया था वो भी मुझे लकीली मिल गया और आ, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया ट्रिप रही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर जाते हो लाइक like, की मॉनिस्ट्री बहुत प्यारा ड्रोन शॉट आता है वहाँ का बट वहाँ के जो मॉन्स हैं उनको नहीं पसंद किया आप उनके विदाउट परमिशन आप ड्रोन उड़ाओ या फिर आप उनकी प्राइवेसी में आप मतलब होता है ना कि आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो कहीं पे भी आप जा रहे हो अगर आपको ड्रोन शॉट्स लेने हैं कैमरा यूज़ करना है पहले लोकल से पूछ लो उनकी परमिशन ले लो इफ दे आर कम्फर्टेबल विद इट तभी आप उस चीज़ को उड़ाओ तो यही मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे जब मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के थोड़ा समराइज़ करके आप लोगों से शेयर कर सकूँ कर दूँ और अगर आप लोगों ने मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो यू के टू एस एल की रोड ट्रिप की सीरीज़ है आप जाके देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसी सीरीज़ के बीच में मैं आदि कैलाश भी होकर आया था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने आ, उसकी भी एक सीरीज डाली हुई है आदि कैलाश वाली फाइव सेवन एपिसोड्स की वो सीरीज़ है आ, वो भी बहुत प्यारी सीरीज़ है वो भी आप ज़रूर देखना तो यार आ, मैं तो यही बोलूँगा कि आप जाके देखो वीडियोज़ आपको सिंपल और बढ़िया वीडियोज़ देखने को मिलेंगे ना ज़्यादा क्लिक ना ज़्यादा और हाँ एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा गईज Uh, जो मेरे से लोग बोलते भी हैं मैं फ़ोटो uh, वीडियो एडिटिंग uh, कला एनहांसमेंट और uh, मतलब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता रीजन बीइंग मैं चाहता हूँ अभी जैसे इस ट्रिप में हुआ था कि हम लोग जब पुद्गल मोनिस्ट्री का ट्रैक कर रहे थे तो अंकित ने भी ये बात बोली थी कि यार uh, देख के मैं कुछ और आया था लोकेशन दिख के और रही है मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप uh, किसी भी लोकेशन पर जा रहे हो तो आप आजकल का जो सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग कहीं ना कहीं से उस लोकेशन के बारे में वीडियोस देख लेते हैं देन आप अगर मैं उसको कलर ग्रेड कर दूं उसकी कलर अनहैंस कर दूं तो यार ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि अगर आप उस लोकेशन में जाओगे ना तो आपको वो नहीं दिखेगा जो आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा जो कि मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ जब आप लोग वहाँ पर जाओ तो आप लोग को भी वैसे ही एक्सपीरियंस हो तो ये मेरा हमेशा हर वीडियो का प्लान रहता है तो मैं इसीलिए कलर एनहेंस या कलर ग्रेड नहीं करता हूँ Uh, कोशिश मेरी यह रहती कि जो मेरा कैमरा देखता है जो मेरी आंखें देखती है वही आप लोग को दिखाऊं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे देख के और एक नेचुरल एक रॉ चीज़ और एक नेचुरल चीज़ देखने को मिले तो ये मेरे कुछ फंडे हैं व्लॉगिंग को लेके एंड आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रैक्ट किया करो यार मुझे इंट्रैक्शन बहुत पसंद है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर लोग कमेंट करें लोग मैसेज करके नॉट मैसेज अगर वीडियो रिलेटेड है अगर देखो अगर ब्लॉग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी सजेशन है फीडबैक है आप पब्लिकली लिख दो आप लिख दो पब्लिकली कि ब्लॉग बेकार बनाए मुझे नहीं पसंद आया मैं ओके okay हूँ उस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नेगेटिव लिख रहे हो मैं आपके कॉमेंट डिलीट कर दूंगा मैं उसको नहीं पढ़ूंगा या मैं उसको नहीं एक्नोलेज करूँगा मैं करूँगा तो अगर आपको कुछ भी पब्लिकली लिखना है आप लिखो क्योंकि आ, जो वीडियो होता है ना मतलब जो आपको कमेंट होता है आपका शेयर होता है वही हेल्प करता है चैनल को ग्रो करने में एंड जो मैं एफर्ट्स लेता हूँ जो हर कोई कंटेंट क्रिएटर एफर्ट्स लेता है वो डिजर्व करता है कि यार उसको वो सपोर्ट मिले उसके फ्रेंड्स का उसके कॉन्टैक्ट्स का एंड हेल्प uh, करें उसको चैनल ग्रो करने में इट्स नॉट अ ईजी थिंग जिस दिन आप पहला ब्लॉग बनाओगे और इसको आप कंटिन्यू करना सो, कर, मतलब प्लान करोगे कि आप कंटिन्यू ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हो आपको रियलाइज हो जाएगा इट्स नॉट एट ऑल एट ईजी थिंग एंड अच्छी चीज़ है यार मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि जिसको घूमने का शौक है एक्सपीरियंस करने का शौक है अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो चाहे आप लिखो चाहे वीडियो बनाओ बट uh, बहुत uh, मतलब दुनिया में बहुत शौक है लोगों को घूमने का कुछ घूम पाते हैं कुछ नहीं घूम पाते हैं तो एटलीस्ट जो नहीं घूम पाते हैं उनको ये एडवांटेज uh, आप दो कि आप ब्लॉग बना के उनको शेयर कर रहे हो अपने एंड आपके वीडियोज़ देख के वो एटलीस्ट उस लोकेशन को देख पा रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं इस ब्लॉग को एंड करते हैं इस यूके टू एसल ट्रिप को इसी वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट ट्रिप की मैं प्लान कर रहा हूँ आई होप कि मैं जल्दी उस ट्रिप पर निकलूँ नॉट श्योर येट बट तैयारियाँ मेरी चल रही हैं जो कि आपको मेरी डेली ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएंगी डेली ब्लॉग्स में डालता हूँ सुबह साढ़े बारह बजे एंड अपने ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स डालता हूँ मैं सेवन सेवन थर्टी के आसपास शाम को अब इस ट्रिप के बाद मेरे पास नेक्स्ट ट्रिप्स अब तो मेरी आती है तो आई एम नॉट श्योर कि वो कब मैं उस ट्रिप के लिए निकलूंगा बट मेरे पास पुरानी मेरी बहुत ट्रिप्स हैं जिसमें मैं रिकॉर्ड uh, करता था विद माई ओल्ड कैमराज क्वालिटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जैसे ये फोर के क्वालिटी देखने को मिल रही है आपको तो क्वालिटी मे भी उतनी अच्छी नहीं मिली आपको देखने को बट एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट थे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वाले ब्लॉग्स उन लोग को मैं उस उन उस ट्रिप को मैं समाऊँ ब्लॉग के फॉर्म में बनाऊँ लाइक फोटोज़ एंड वीडियोज़ को यूज़ करके थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग करके जैसे मैं आपसे कैमरे में बात कर रहा हूँ इस टाइप से बात करके तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताना मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी पुरानी ट्रिप्स के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकाल निकाल के मैं उनको कंपाइल करके एक ब्लॉग के रूप में आप लोग को दिखा सकूँ आई फर्मली बिलीव इन दिस थिंग की जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है वो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सिखा के जाती है चाहे वो आपकी ब्रेकअप हो चाहे वो आपका पैचअप हो चाहे वह आपका रिलेशनशिप हो चाहे आपकी दोस्ती आ रही हो बहुत कुछ मतलब लाइफ को अगर आप सीखने से सीखने वाले एंगल से देखोगे तो आपको हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं तो यार बस वो कहते हैं ना वो गाना एक पुराना जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम उस पर बिलीव करता हूँ एंड लेट्स सी क्या रहता है कैसी रहती है मेरी सोशल मीडिया की जर्नी तब तक अगर आप लोगों ने ब्लॉग्स नहीं देखे प्लीज जाके देखो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताओ एंड हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में करते हैं इस ब्लॉग को एंड सोचा था मैंने कि पाँच सात मिनट का ब्लॉग बनाऊंगा पर ये ऑलमोस्ट अट्ठारह मिनट का ब्लॉग बन गया मेरी सबसे गंदी प्रॉब्लम ये है कि मैं बोलना शुरू करता हूँ बोलता रहता हूँ मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ और मुझे यार स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोला जाता गाइस आई एम सो सॉरी मैं इस चीज़ पर आई डोंट नो मैं कब काम कर पाऊंगा आप मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दो मैं कोशिश करूंगा उसको लाइक इनैक्ट करने की बट मेरे से नहीं हो पाता यार तो ठीक है इस पर इस पर भी हम बात करेंगे अपने डेली ब्लॉग पर ठीक है तो चलो करते हैं इस वीडियो को एंड एंड हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर आपको लोग अच्छा लगता है प्यार मोहब्बत लव सपोर्ट बनाए रखना और सेफ रहना टेक केयर बाय बाय